Vicky sir, for sure, big, big congratulations. The trailer is getting a huge response from the audiences. For sure, we'd like to know what kind of appreciation have you got until now. थैंक यू वेरी मच. येस, ट्रेलर को बहुत सारा प्यार मिला. जो हम करने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ वो जो नया हमने किया है वो रजिस्टर हो ऑडियंस में, वो रजिस्टर हुआ. और जहाँ तक हम कमेंट्स पढ़ रहे हैं और जो एक्साइटमेंट हम फील कर रहे हैं, अच्छा ही लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है कि लोग एक हॉरर फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं. सो वी आर होपफुल. हम प्रे कर रहे हैं कि लोग उसी तागात में थिएटर में भी आएँ पूरी पिक्चर देखने. सो वी हैव आर फिंगर्स क्रॉस्ड. Sorry. What kind of appreciation have you got? I'm obviously very excited. मैं तो बहुत ही खुश हूँ देख के कि लोगों को इतना पसंद आ रहा है. कॉमेंट्स वगैरह पढ़ रहे थे. सो वी वेरी एक्साइटेड. दे आर द ऑडियंस इज वेरी एक्साइटेड. कुछ नया देखने को मिल रहा है. हमने कुछ नया ट्राई किया है. एक हॉन्टेड शिप में एक फिल्म करी है. सो वेरी एक्साइटेड. लेट्स होप पीपल कम एंड वॉच इट एंड अप्रिशिएट द फिल्म. ऐसी फिल्मों को फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड जैसे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल माना जाता है. किसी का मतलब ऐसा कुछ था नहीं. हमने रिसर्च बहुत करी थी, अपना प्री प्रोडक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग किया था. जो हमारी कहानी थी उसके साथ हम ट्रू रहना चाहते थे, तो हमने बस कहानी को पकड़ा. और फिल्म मेकिंग तो बेसिक तो होता ही है सबका कि फिल्म कैसे बनती है, तो वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी. बाकी रिसर्च एंड स्टडी कर करके काइंड ऑफ अंडरस्टूड कि कैसे फिल्म बनानी है. एंड देन बस कूद पड़े, बाकी फिगर आउट किया जैसे शूट पे सेट पे कैसे करना है क्या करना है. बिकी सर, आपको जब अप्रोच किया गया इस फिल्म के लिए तो आपको कैसा लगा, क्यों ये फिल्म करनी थी आपको? मुझे एक्चुअली जब ये ऑफर आई थी धर्मा प्रोडक्शन से, तब एक्चुअली ना संजू रिलीज़ हुई थी, उरी तो शूट भी नहीं हुई थी. तो ये बहुत पहले की बात है, मई 2018 की बात है जब राजी रिलीज़ हो रही थी. मुझे फ़ोन आया था धर्मा ऑफिस आने के लिए और एक नई फिल्म के डिस्कशन के बारे में. तो मैं शशांक से मिला, शशांक खेतान जो प्रोड्यूस भी कर रहे हैं इस फिल्म को करण जौहर के साथ, और भानु को मिला. और उन्होंने मुझे बताया कि एक हॉरर फिल्म है उनके जहन में. तो मैं पहले बहुत इंट्रीग था कि धर्मा हॉरर, ये मेल तो मैंने सोचा नहीं था कभी होगा. तो मैं बड़ा इंट्रीग था कि क्यों धर्मा प्रोडक्शंस इंटरेस्टेड है एक हॉरर फिल्म में. तो जब इन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी तो मैंने इमीडिएटली घर जाकर स्क्रिप्ट पढ़ी और मुझे बड़ी रिफ्रेशिंग लगी. मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक प्योर हॉरर फिल्म पे फोकस किया जा रहा है. अननेसेसरली गाने नहीं आ रहे, अननेसेसरली रोमांस नहीं आ रहा, अननेसेसरली कॉमेडी नहीं आ रहा. एक प्योर हॉरर फिल्म हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुत समय से बॉलीवुड में नहीं हुआ, हॉलीवुड में होता आ रहा है. और हॉलीवुड की जब भी फिल्में रिलीज होती हैं प्योर हॉरर, वो उसको एक ऑडियंस मिलती है और अच्छा अप्रिसिएशन मिलता है. तो इसमें एस्थेटिकली भी एक स्लिकनेस है, एक रिचनेस है. फिर मुझे ज्योग्राफी नहीं लगी कि एक हॉन्टेड शिप है, वरना हमेशा हमें आदत है कि बॉलीवुड फिल्मों में पुराने महल, पुराने किले, घर के अंदर ही जो हॉरर होता है उसी पे हम फिल्में बनाते हैं. तो ये एक हॉरर हॉन्टेड शिप पे बेस्ड एक फिल्म थी जो मुझे लगा एक नया कॉन्सेप्ट है. फिर मैं भानु से मिला, इनकी सोच में कन्विक्शन था, इनकी विजन में क्लैरिटी थी, तो सब कुछ सही लगा. और फिर सीधे गट को फॉलो करते हुए, इंस्टिंक्ट को फॉलो करते हुए पिक्चर साइन कर ली. स्क्रिप्ट काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि अब बिना किसी ऑडियो, क्योंकि सिनेमा ऑडियो विजुअल मीडियम है, तो आपको स्क्रिप्ट पे अगर किसी को इमेजिन करवाना है तो आप कैसे करवाएंगे. तो उसको लिखना, और इस फिल्म में जब विकी शिप को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो ऐसे कई पेजेस थे फिल्म के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर, जहाँ पे कोई डायलॉग ही नहीं था. तो वो पूरे इतने डिस्क्रिप्टिव पेजेस थे. अब उसमें रीडर का इंटरेस्ट कैसे आप जोड़ के रखें, अगर कोई आपको पढ़ेगा, जैसे हम प्रोडक्शन हाउसेस को पिच करते हैं, विकी ने पढ़ी, तो वो इंटरेस्ट कैसे बना रहे वाज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसमें एक अलग तरीके का एक कुछ नया करा मैंने, थोड़ा रिसर्च करा, स्टडी करा कैसे उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. उस पर काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया कि वो पेज पे ही, पेपर पे ही स्केरी लगे, इंटरेस्टिंग लगे और आप बोर ना होए और आप आगे पेज पलटने लगे. तो उसमें काफी मेहनत लगी थी, उसमें काफी टाइम लगा था मुझे. ओके विकी सर, ये हॉरर जॉनर है, तो आपने कभी ऐसा महसूस किया है या स्ट्रेंज फियर कुछ शेयर करना चाहिए? यार कभी कभी लगता है, कभी कभी जब आप इतना ट्रैवल करते हैं, अलग अलग होटल्स में रहते हैं, कई बार तो कई बार थोड़ी सी फील आती है कि यार इस कमरे में, यार आज तो लाइट्स ऑफ होकर नींद नहीं आएगी, ये लाइट ऑन रखनी पड़ेगी आज रात को, थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है यहाँ पर. तो वैसी वाली ईरी फीलिंग बिल्कुल आई है. और कभी कभार कभी कुछ बुरा सपना आ जाता है या डर लग जाता है, तो तब हनुमान चालीसा तो जम के पढ़ा जाता है आधी रात को. पर ऐसे कुछ डायरेक्ट नहीं हुआ जो बिल्कुल ही ऐसा हो जाए कि यार कुछ यू नो कुछ डायरेक्ट भूत वो देख लिया हो, वो तो नहीं हुआ है. पर हाँ, कभी कभार कुछ कुछ जगह जाकर आपको ईरी सी फीलिंग आती है कि यार कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, तो बस सुबह हो जाए जल्दी से जल्दी.
ओके विकी सर, हमने 2 दिन पहले भूमि जी से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि एक ड्रीम था मेरे वर्क करना विकी के साथ, ही इज अ वन ऑफ वर्सेटाइल एक्टर इन अबाउट बॉलीवुड, सो इतना अप्रिशिएट किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे भूमि मैम? सो स्वीट, ये तो वेरी स्वीट ऑफ भूमि टू से दिस, बट आई थिंक भूमि ने जो पिछले साल में ही वर्सेटैलिटी दिखा दी है एक साल में विद सांड की आंख और कौन सी फिल्म थी उनकी, पति पत्नी और वो, एंड आई थिंक बाला. सो ये बिल्कुल तीन अलग कैरेक्टर्स हैं और तीनों को ओन करना और सब में अच्छे रिव्यूज पाना, सब में लोगों का प्यार पाना, इट्स इनक्रेडिबल. एंड आई हैव ऑल्सो बीन वेटिंग टू वर्क विद हर. इसमें थोड़ा सा कम काम करने का मौका मिला क्योंकि उनका कैमियो रोल है, बट इसके बाद हम तख्त में भी साथ में काम करेंगे. सो आई एम रियली एक्साइटेड टू वर्क विद हर, एंड शी इज़ अ वेरी चिल्ड आउट गर्ल और बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, तो मजा आता है उनके साथ हमेशा. ओके विकी सर, आपने जैसे कि अभी तक का नाम लिया, सो इट्स अ फर्स्ट हिस्टोरिकल मूवी, सो कितना प्रेशर है, फील करते हैं कि फर्स्ट हिस्टोरिकल मूवी और धर्मा प्रोडक्शन के आप एक फेवरेट हो चुके हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? प्रेशर तो नहीं बट बहुत एक्साइटमेंट है, बिकॉज वो मेरे बकेट लिस्ट में हमेशा से था कि एक पीरियड फिल्म करनी है, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि पीरियड फिल्म में काम करने को मौका मिल रहा है और बहुत अच्छी टीम है, मतलब इससे अच्छी टीम क्या हो सकती है, करण जौहर डायरेक्ट कर रहे हैं और कमाल की कास्ट है मेरे साथ, तो मज़ा आएगा. इन एक्टर्स के साथ पहले कभी काम नहीं किया है तो आई एम वेरी एक्साइटेड. अगले महीने से शूट शुरू हो रही है, तैयारी शुरू हो जाएगी इमीडिएटली आफ्टर द रिलीज ऑफ दिस फिल्म, तो आई कांट वेट टू गेट ऑन टू दिस प्रोसेस. क्योंकि मूवी की रेल और जो डेट और डिले हुई है, पहले 15 नवंबर को रिलीज होने वाली थी, अब आगे रिलीज होने की क्या वजह से डिले हुई? ये वी एफ एक्स हमारा विजुअल इफेक्ट्स जो है फिल्म में, तो क्योंकि हम इसको एक लेवल की फिल्म बनाना चाहते थे, एक अच्छे लेवल की फिल्म जहाँ पे कुछ भी चीज़ टैकी ना लगे, कुछ भी ऐसे ना लगे कि नकली है या इतना ख़राब लग रहा है, तो इसीलिए हमने एंटिसिपेट नहीं किया था कि हमें इतना टाइम लगेगा. बट जैसे ही डेट क्लोज आ रही थी तो हमने सोचा कि ये हम समय पर कम्प्लीट नहीं कर पाएंगे, सो इसीलिए हमने ये डेट चेंज करके फरवरी कर दिया था, ताकि हम जो विजुअल इफेक्ट्स कर पाएँ वो उस लेवल का कर पाएँ कि आप उसको एक बड़ी फिल्मों से कंपेयर कर सकें, एक नॉर्मल जो अच्छी फिल्म के साथ कंपेयर कर सकें, और हॉरर फिल्मों को जो क्रिटिसिज्म मिलता है कि टैकी लगती है वो ना हो, इसी सिर्फ यही वजह थी उसको पुश करने की. विकी, आपकी फिल्म बहुत कैश हो रही है आयुष्मान खुराना की फिल्म के साथ, तो आप उस बारे में कुछ कहना चाहोगे कि आप दोनों ही नेशनल आई थिंक हमारा ना कुछ अभी वो धागा जुड़ गया है मेरा और आयुष्मान का, कॉफ़ी विद करण से लेके फिर अवार्ड शो भी साथ में होस्ट किए और उसके बाद में फिर हमारी रिलीज डेट भी साथ में जुड़ रही है, नेशनल अवार्ड भी साथ में मिल रहा है, तो हमारा कुछ शायद वो धागा जुड़ चुका है साथ में. तो बट एम सी द थिंग इज इन रियलिटी इन अ प्रैक्टिकल वे आज के टाइम पे इट्स इम्पॉसिबल कि आपको सोलो रिलीज मिले, क्योंकि जितने फ्राइडेज एक साल में आते हैं उससे कई ज़्यादा फिल्में हम बनाते हैं, तो वो बहुत मुश्किल होगा कि आपको सोलो फ्राइडेज मिले, तो वो क्लैशेस तो होंगे ही, वो साथ में पिक्चरें तो आएंगी. अच्छी बात यह है कि हमारी दोनों की पिक्चरें बहुत अलग हैं, उनकी कॉमेडी फैमिली ड्रामा है और हमारी एक हॉरर फिल्म है, तो बिल्कुल अलग जॉनर्स हैं, अलग बिल्कुल ही अलग टेरिटरीज हैं, बट आई विश देम द बेस्ट. मुझे उनका ट्रेलर बहुत पसंद आया एंड आई माई सेल्फ एम एक्साइटेड टू वॉच दैट फिल्म, सो ऑल द बेस्ट टू दैट टीम. जॉनर्स की बात करें तो आपने ऑलमोस्ट सारे जॉनर्स में काम कर लिया, अब आप पीरियड फिल्म में भी काम कर रहे हैं. हाँ जी, मुझे एक्चुअली उरी में एक्शन करके बहुत मज़ा आया था, शायद वो चाहे मैं एक्शन डायरेक्टर का बेटा हूँ शायद इसीलिए मुझे मज़ा आया था, बट उरी में वो एक्शन वगैरह ड्रामा करके मुझे बहुत मज़ा आया था, तो अभी पीरियड सेटअप में एक्शन करने को का मौका मिलेगा, तो लेट्स सी हाउ इट गोज. हाँ जी ऑफकोर्स, मतलब एक ये होता है कि चलो एक फिल्म किसी एक्टर की अगर एक सर्टेन अमाउंट कमाती है तो एक और उतनी पॉपुलैरिटी देती है उस एक्टर को, तो उस पे उस एक्टर पे और इन्वेस्टमेंट होने लग जाते हैं, यू नो, और बैंकेबिलिटी बढ़ जाती है, बट देन यू हैव टू प्रूव इट ओवर अ कपल ऑफ फिल्म्स एंड यू हैव टू कीप प्रूविंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड दैट इज़ अ प्रोसेस इन द फिल्म इंडस्ट्री दैट कीप्स हैपनिंग, देर आर हाईज एंड लोज व्हेन इट कम्स टू दैट, तो ऑफकोर्स वो एंड इट्स अ वेरी चेंजिंग थिंग, वो चेंज होता रहेगा हर फिल्म के साथ, so that I'm prepared for, so but उरी के साथ definitely कई दरवाजे खुले हैं, कई बड़े दरवाजे खुले हैं, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई उरी के बाद. आप पता है अभी सोशल मीडिया पे मतलब नेशनल मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से एडमायर हो रहा है ना सोशल मीडिया पर, तो आप पर्सनल लाइफ में किसको इतना एडमायर करते हैं? मैं तो बहुत लोगों को एडमायर करता हूँ जिनका भी मतलब बहुत लोगों का काम है जो मुझे इंस्पायर करता है, बहुत लोगों का यू नो द वे ऑफ दे लिव देयर लाइफ इंस्पायर्स मी. बच्चन साहब स्टैंड्स टू बी माय बिगेस्ट इंस्पिरेशन ऑलवेज, बिकॉज जब मैं देखता हूँ ही इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट एक्टर्स इन टुडेज़ टाइम ऑल्सो, वो जितना काम कर रहे हैं और जितने डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं, ही इज़ माई ऑल टाइम यू नो फेवरेट हीरो. विकी, आपने
बिकी फिल्म फेयर को लेकर बहुत सारे विवाद उठ रहे हैं, कहा जाता है कि वो फिक्स पहले से ही होता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो ये पहला साल नहीं है जब ये विवाद होते हैं, लोगों का अपना रवैया है, तो उनकी अपनी जूरी होती है, उनका अपना पैनल होता है जो डिसाइड करता है क्या विनर्स है कौन विनर्स है। मुझे नहीं पता उसके पीछे क्या होता है, हम भी ऑडियंस की तरह ही हैं, हम भी जाते हैं, अवार्ड मिलता है तो ले लेते हैं, अवार्ड नहीं मिलता तो नहीं लेते, तो हमें भी नहीं पता पीछे क्या होता है, बट वी बिलीव कि एक जूरी है जो डिसाइड करती है कि विनर्स कौन होने चाहिए एंड देन वी शुड लीव इट अप टू देम। बहुत अच्छा था, वैसे तो कोई शौक नहीं होता 100 प्लेस में जाने का, ये फिल्म के जरिए जाने का मौका मिल रहा है, देखने का मौका मिल रहा है कि क्या होता है वहाँ, तो हाँ अजीब सा एक स्पूकीनेस फील होता था। लकीली हम दिन के टाइम जाते थे, रात के टाइम तो हालत ख़राब हो जाती, पर दिन के टाइम जाते थे, देखते थे वहाँ हॉरर फिल्मों हॉरर प्लेसेस में कि क्या फील आती है, कुछ जगह एकदम ही बंजर थे, कुछ जगह एकदम ही जाके वहाँ फील हो रहा था कि कुछ हिस्ट्री है वहाँ पर, तो अजीब सा लगता था, बट लकीली हम वहाँ से फिर जल्दी निकल आते थे। बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इन्होंने कम से कम 75,000 बार फिल्म देख ली है अपनी क्योंकि इन्होंने फिल्म बनाई है, मैंने अभी तक फिल्म देखी नहीं है रेडी फिल्म, मैंने बहुत एक पहले कुछ महीनों पहले ऑफलाइन कट देखा था जहाँ VFX नहीं हुआ था, साउंड नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है मैं पहली बार ही फिल्म देखूंगा ऑडियंस के साथ, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आज शाम के लिए एंड आई एम रियली प्रेइंग दैट जो रिस्पॉन्स आ जाए वो अच्छा हो। मैं काफ़ी नर्वस हूँ बट उतना ही एक्साइटेड भी हूँ, जिस फिल्म को बनाने में इतना टाइम लगा और जितना इतनी मेहनत करी वो आज पहले इंडस्ट्री के लोगों को फैमिली फ्रेंड्स को दिखाएंगे और दो दिन बाद पूरी दुनिया के लिए सामने होगी। मिडनाइट में रखा गया सर, इसके पीछे का क्या रहा सर? एकदम बीचो रात और रात की डराना है तो मज़ा तो रात को ही आएगा, भून का घर डराना है तो मेरी क्रश फिलहाल वो जो पोस्टर में आप देख रहे हैं ना खूबसूरत सी लड़की जो मेरे कंधे पे है, मेरी फिलहाल क्रश वो है। थैंक यू सर, एज यू सेड व्हेन इट कम्स टू हॉरर, व्हेन इट कम्स टू हॉरर इफ द VFX आर नॉट राइट देन इट कैन लुक टैकी, सो डिड यू स्ट्रगल टू गेट द राइट काइंड ऑफ रिसोर्सेज व्हेन इट कम्स टू VFX एंड एनिमेशन? नो, आई डोंट थिंक सो देयर वाज एनी प्रॉब्लम विद द रिसोर्सेज, देयर वाज इनफ सपोर्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन हाउस from Dharma Productions to allocate a correct amount of budget जो इस फिल्म के लिए ज़रूरी था ताकि इस फिल्म को हम एक लेवल का बना सकें, एंड दे सपोर्टेड मी कम्प्लीटली एंड जो मेरे देन VFX हाउस भी था दे ऑल्सो डिलीवर्ड एट क्वाइट अ गुड लेवल विद वट एवर टाइम वी ऑल हैड टू रिलीज द फिल्म ऑन 21st Feb एंड आई थिंक वी हैव डन a good job. I think it's then now up to you all, to the audiences, to judge and let us know so that we can learn and usko aur theek kar sake aage future mein. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you.